पंचायत घर में, जहां आज हम बात करेंगे भजूरी की नव निर्वाचित प्रधान सीमा देवी जी से। सीमा देवी जी अभी अभी चुनाव जीतकर प्रधान बनी है, ये पिछले 10 सालों से बाढ़ पंच थी। तो आइए जानते हैं भजूरी के विकास के लिए इन्होंने क्या योजनाएं बनाई है। तो चलिए इनसे बातचीत शुरू करते हैं। सीमा देवी जी, आपका हिल क्वेस्ट में स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप नए नए प्रधान बने हो। मैम, आप मुझे बताएं कि आपकी ट्रेनिंग होगी है कि अभी नहीं हुई? अभी नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ट्रेनिंग कब तक होगी? हमारे 17 तारीख को 17 से है। आपकी क्या प्राथमिकता है, आप कौन कौन से काम सबसे पहले करना चाहते हो? लोगों ने हमारे को चुना भेजा है, तो सबसे पहले मेरा ये उद्देश्य होगी लोगों की हर समस्या को पूरा करेंगे। ये सभी तभी हो सकता है जब लोगों का साथ होगा। ऐसे हम अपने से नहीं कर सकते कोई भी समस्या का हल। आप पहले भी किसी पद पे रह चुके हो? हाँ जी, वार्ड पंच। वार्ड पंच कितने साल रहे हो? 10 साल। 10 साल तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? वैसे तो ठीक ही है, ठीक ही रहा। आपको सहयोग कैसा मिल रहा है परिवार का? परिवार का अच्छा से हो गया मेरे परिवार का। आपको कितना टाइम हो गया इलेक्शन जीते हुए? एक महीना। और एक महीने में आप प्रशासन से कितनी बार मिली हो? अभी तो एक बार मिली। एक महीने में आपने लोगों की कौन कौन सी समस्या जो है वो सॉल्व की? जैसे छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, वो भी हमारे को बुलाते हैं, हम वहाँ पर जाते हैं और छोटे छोटे लड़ाई झगड़े को निपटारा करते हैं। आपकी पंचायत में कितने वार्ड है? 7। आप कौन से वार्ड से हो? 6 से। तो क्या आप वार्ड नंबर 6 के लोगों की बात सुनते हो कि बाकी वार्डों में भी जाते हो? नहीं, पूरी पंचायत में जाते हैं। पंचायत के लोग जब भी आपको बुलाते हैं तो क्या आप जाते हो, 24/7 उनको उपलब्ध होते हो? हाँ जी। आपके पंचायत की सबसे ज़्यादा समस्या कौन सी है और जिसे आप सॉल्व करना चाहते हो और जो पिछले 10 सालों में नहीं हुई हो? गंदगी है हमारी पंचायत में वैसे तो, और तो सब थोड़ा ठीक ही है। क्या आपकी पंचायत में स्ट्रीट लाइटें हैं? है, इतनी नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। जैसे पूरा वार्ड में कंप्लीट नहीं है, कई वार्ड में 1-2 है और कई में है, भजूरी में है 7-8 है ना। तो क्या आप इनको बढ़ाना चाहते हो? हाँ जी। सीमा देवी जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो मैं शिल्पा शर्मा अब आपसे विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात होगी अन्य महिला नव निर्वाचित प्रधान से। तब तक के लिए देखते रहिए हिल क्लास न्यूज चैनल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नंदा।